हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी ग्लैमरस लुक, जो बहुत ही सिंपल होने वाला है और बिगनर्स लोगों के लिए तो बहुत ही इजी होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं अपना फेस ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैं नायका का प्रेप मी अप प्राइमर ले रही हूँ, फेस प्राइमर। और आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स सिलिकॉन बेस्ड एंड आई एम अप्लाइंग ऑल ओवर माई फेस एंड नेक। एंड आफ्टर यूजिंग दिस प्राइमर, ओह गॉड, माई फेस फील सो सॉफ्ट एंड स्मूथ। आई रियली लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की कंसीलर पैलेट ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रीन करेक्टर लूँगी और जहाँ जहाँ मेरे ये पिम्पल के रेड स्पॉट्स हैं उसको मैं पहले फिंगर की हेल्प से इसको मैं अच्छे से लगा दूंगी और इसको मैं फिर स्पॉन्ज की हेल्प से डैप करते हुए इसको मैं सेट कर दूंगी। अब सेम पैलेट से मैं ये ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ और जहाँ मैंने ग्रीन वाला लगाया था कंसीलर उसी के ऊपर मैं लगा के इसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे लॉरियल का ये ट्रू मैच फाउंडेशन ले रही हूँ, लिक्विड फाउंडेशन, और इसको मैं अपने फेस में और नेक में अच्छे से लगा लूँगी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाई कवरेज फाउंडेशन है और मैंने जितना एक ही बार लिया था ये सिर्फ उतना ही है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है इसके अलावा। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी कवरेज ये फाउंडेशन दे रहा है। तो अब यहाँ पर मैं NY की ये लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ और इसको मैं अपने अंडर आइज़ के नीचे और थोड़ा सा नोज़ में, फोरहेड में और जहाँ जहाँ पे मेरे थोड़े से पिंपल स्पॉट है वहाँ पर भी इसको लगा के और इसको मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करके मैं सेट कर दूँगी। तो अब मेरा कंसीलर भी लग चुका है। तो यहाँ पर मैं शुगर का ये कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और अपने फाउंडेशन को और कंसीलर को अच्छे से सेट कर दूंगी। तो आईज़ के लिए मैं यहाँ दो पैलेट ले रही हूँ, एक ले रही हूँ द कलर वर्कशॉप की और एक ले रही हूँ मैं वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट। तो यहाँ पर मैं पहले ये पिंक कलर लूँगी और इसको अपने आईलिड में लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर ये न्यूड शेड ले रही हूँ और इसको अपनी क्रीज में लगा के इन दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी। तो अब यहाँ पर मैं ये वेट एंड वाइल्ड की ये पैलेट ले रही हूँ और इसमें से शिमर शेड लेकर और फिंगर की हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर्स में लगा लूँगी। फिंगर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। तो सेम पैलेट से मैं ये मेटालिक सा कलर लूँगी और इसको अपनी सेंटर में लगा लूँगी आईलिड के और इसको फिंगर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं ये स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो ले रही हूँ, ग्लिटर वाली, और इसको मैं अपने सेंटर में लगा दूँगी। यू हैव टू बी क्विक क्योंकि ये बहुत जल्दी ही ड्राई आउट हो जाता है। सो इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स में इसको भी लगा लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं ये मेबलिन की लिक्विड आई लाइनर ले रही हूँ तो मेरी आईज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं यहाँ पे ये यूरोप गर्ल्स की आई लैशेज लगा लूँगी। और सीरियसली मुझे ये लैशेज बहुत बहुत पसंद आई हैं, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ की है तो आई विल लाइक इट।
अब यहाँ पर मैं मस्कारा ले रही हूँ और अपने लोअर एंड अपर लैशेस दोनों में लगा लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर माइग्लैम की ये ब्लश ले रही हूँ और आज मैं कोई भी पाउडर कॉन्टर नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ मैं आज अपने चीक्स को पीची पीची लुक दूंगी। और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है इसकी पिगमेंटेशन। और माइग्लैम के वैसे भी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो इसको मैं अपने चीक्स पर लगा रही हूँ, थोड़ा सा मैं चिन में लगाऊंगी, थोड़ा सा फोरहेड में भी लगाऊंगी। और अब यहाँ पर मैं मेकअप रेवोल्यूशन की ये हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसकी कवरेज है, आप देख भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ मैं, बहुत ही थोड़ा थोड़ा लेकर यूज़ कर रही हूँ। लुक एट द पिगमेंटेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी पिगमेंटेशन है। और आईब्रोज के बाद मुझे हाइलाइटिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता भी है। तो अपने फेस को, अपने ब्रो बोन्स को, अपने चीक्स को अच्छे से हाईलाइट कर लें अपना लुक कंप्लीट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर ये मेबलिन की लिपस्टिक ले रही हूँ और अब देखें ये कलर कितना ब्यूटीफुल है जो मेरे लुक को कंप्लीट करने वाला है। तो मेरा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब मैं बिंदी लगाकर इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल एंड कंप्लीट लुक, जो बहुत ही सिंपल एंड इजी है स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए। और आप अच्छे से इसको क्रिएट कर सकते हैं अपने दिवाली और किसी भी फेस्टिवल में। और अगर आपको ये मेरा लुक पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।